हाय गाइस, दिस इज वॉनबी स्टार किड। मैं हूं अमर। तो भाई ये दोनों आर्टिस्ट विद इन 24 आवर्स, बिकॉज 12-1 बजे ये लोग गाना डाल देते हैं और अगले दिन दूसरा गाना आ जाता है। भाई क्या चल रहा है, ये खतरनाक बीफ बन चुकी है ये। और एक और चीज बोलूंगा, इतिहास गवाह है भाई। जब हम नॉर्मल लोग भी स्कूल में लड़ते हैं या फिर कभी भी लड़ते हैं अपने दोस्त से या किसी बंदे से, तो ना लड़ाई धीरे 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 जब एस्केलेट होती है तो गाली गलौज पे उतर आती है। यही चीज हमने डिवाइन एमीवे, रफ्तार एमीवे, कृष्णा एमीवे, इन लोग के मैं उसमें देखा था, राइट। अब मेरे ख्याल से, अब जैसे यंग गाली का गाना आया, अब मेरे ख्याल से ये तीसरा गाना है रिप्लाई का, तो आई थिंक गाली गलौज पे ना उतर आए भाई। उतरने के चांसेस तो हैं, बिकॉज जब लड़ाई बढ़ती है तो फिर एंड में मुंह से गालियां ही निकलती हैं भाई, हम देसी लोगों के मुंह से। तो गाने का नाम है कुल्फा कर्मा। मैं बोला ये क्या क्या नाम रख रहे हैं, बबली, कुल्फा कर्मा, अरे भाई यंग गलीच, क्या नाम रख रहे थे। हम लोग स्कूल कॉलेज में एक दूसरे का नाम चिढ़ाते थे ना, वैसा हो गया भाई ये सीन। बट एनीवेज, तो चलो फटाफट से ये सॉन्ग सुनते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। ये चैनल एक कमेंट्री, रिव्यू एंड रिएक्शन चैनल है। अगर आपको सिर्फ म्यूजिक सुनना है और सिर्फ वीडियो देखनी है तो प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर के चैनल पे जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिकॉज इस वीडियो में बीच बीच में वीडियो को पॉज करूंगा और अपने पर्सनल ओपिनियन एंड रिव्यूज दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हां सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर बोल उसका, 10 नंबर हो गया। अबे ये लोग जब रैपर्स गाने के स्टार्टिंग में ही मीम मटेरियल लगा देते हैं भाई, ना 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 ना, अरे जल्दी बोल, पलवेल निकलना है भाई, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। क्या बोलती वो ब्लैक, क्या बोलती। मैं डरता वार्निंग से बचकाने, तू वैम हटा, तेरी कुर्बानी के पहले मैं पढ़ लूं 2 रकात। अरे एक सेकेंड, ये बंदा पूरा बंटाई से इंस्पायर्ड है, बिकॉज पहले वाला जो गाना आया था बबली, $KR का था उसका वाइब, आई मीन जस्ट द वीडियोग्राफी, और इसका मचाएंगे 4, तेरी मचाएंगे वाला जो गाना था। अब वापस सुनते हैं, चलो लिरिक्स के साथ। मैं डरता वार्निंग से बचकाने, तू वैम हटा, तेरी कुर्बानी के पहले मैं पढ़ लूं 2 रकात। आंखों में घुसाता तो चश्मा पहना वीडियो में, आंखें दिखाता तो ये कुत्ता वहीं पे मुंह देता। मैं लेता ग्रुप में तो दर्द नहीं सहन होता, तू पहले मिलता मुझसे तो तू मेरा फैन होता। होश में आज जीत के तू ख्वाब देखना छोड़, ये सलमान देता ट्रॉफी अगर तू स्टैन होता। मैं खुद के टीम से इंस्पायर्ड, खुद के टीम से तू बाहर, बूफ मेरे नहीं खन्ना के, उधर चूस जाके खाए। अबे यार बेचारा खन्ना बोलेगा क्या है भाई, मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, कलमकार चलाता है ना, मैं जा रहा हूँ भाई डॉक्टर के पास अपने कटवाने, बिकॉज बंटा है और ये वाले से उसके इसके पीछे ही पड़े। इंस्पायर्ड खुद के टीम से तू बाहर, बूफ मेरे नहीं खन्ना के, उधर चूस जाके काया। मैं हूं सीन का खलनायक और तू सीन के नहीं लायक, बबली सोच के है डरी अगला मूव मेरा क्या है। अच्छा यंगाले कंगाले तो फिर तू कौन सा अंबानी, अगर हुड मेरा बेकार तो मुंबई आते क्यों कमाने, होता भाई। वाड़ा लाइन, जितना भी बजलो सालो, जितना भी बजलो अपने अपने स्टेट में, मुंबई आके ही तुम लोग को कमाना है, और एक लेवल हाई होता है, बिकॉज मुंबई एक ऐसी नगरी है जहाँ पे आपको मतलब वो बंद कहीं से कहीं कहाँ पहुंचा देती है भाई। जितने भी यूट्यूबर्स भी देख लो मुंबई में आ ही जाते हैं, भुवनम देख लो भाई, इतना बड़ा यूट्यूबर है, मेरे को तो भाई वो यूट्यूब का शाहरुख खान लगता है, बिकॉज फ्रॉम नथिंग टू अ सेलिब्रिटी लेवल, ओ माय गॉड। बिकॉज जितने भी बाकी यूट्यूबर्स हैं ना, उनके मॉम डैड या तो रिच हैं, या तो पैसे वाले हैं, या तो जो भी हैं, भुवनम मेरी नज़रों में शाहरुख खान है यूट्यूब का। तो मुंबई में ऑफिस खोला ना उसने दिल्ली में रहने के बाद भी, तो भाई मुंबई आते हैं, मुंबई नगरी में ही आते हैं, जितना मर्जी कहीं भी बज लो मुंबई आते हैं सब। ओ भाई मजा आ गया। तो फिर तू कौन सा अंबानी, अगर हुड मेरा बेकार तो मुंबई आते क्यों कमाने, होता नाम ये बदनाम तो तू आता नहीं मर्राने। तुझे हुड को दिया गाली, हाँ वो धारा भी शाने। हरे गली में थक्स तेरे 45 मंगा ले, हरे गली में टूपाक तेरे 47 मंगा ले। साइन परेशान ये बेचारा, तीन के मेरे पास और मैं बाजी जीते जा रहा। बचकाने ताश खेलते इधर अपन उनो नहीं, तू रिवर्स पत्ते डाल अब मैं आगे बढ़ते जा रहा। बोला वीडियो में मैंने मेरे लिप सिंग नहीं किया, तू खुद कौन सा किया, कुल्फे कुल्फी क्यों खा, गाना तू फिर से निकाला पब्लिक को छुतिया। क्या काउंटर मारा है, वो कुल्फी खा रहा था ना एंड में, आइसक्रीम खा रहा था, कुछ भी खा रहा था, तो उसमें वो गाना नहीं गा रहा था। अरे भाई क्या क्या पॉइंट पकड़ के काउंटर मारते एक दूसरे को। बना रहा अपने को डीपिंग आईली अंदर से, तू किससे लिखा रहा। फर्स्ट ऑफ फक यू बिच इन द लाइंस यू क्लेम, बस साइड धारा भी यहां पूरा हाथ में गेम, ब्रो ढापना छोड़ बबली, यूज योर ब्रेन मात्र। ओके, तो जैसे इसने बोला ना कि फ्लो ढापना छोड़,
मेरे को किसी ने इंस्टाग्राम पे टैग किया था, किसी बंदे ने, मेरे फॉलोअर ने किया होगा, सब्सक्राइबर ने किया होगा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कर्मा क्या फ्रेश फ्लो लेके आया है, बट वो रील देखने के बाद मुझे पता चला उसने टूपाक का फ्लो कॉपी किया है। लेकिन भले ही उसमें, मतलब उस बंदे ने रील में लिखा था कि पूरा फ्लो ढापा है, बट देखो यार मैं क्या मानता हूँ ना, टूपाक, बिगी, ये लोग भाई लेजेंडरी लोग हैं, लेजेंडरी लोग हैं भाई, ये रैपिंग सीन के, बीफ सीन के, वेस्ट साइड वाले एंड ईस्ट साइड वाले, तो इनको तो भाई तुम कंपेयर करो ही मत किसी से। और रही बात कॉपी करने की, मेरे ख्याल से देखो कॉपी क्या होता है, डिट्टो, डिट्टो तो नहीं था ऑफकोर्स, उसके लिरिक्स तो कर्मा के खुद थे ना, तो इंस्पिरेशन बोल सकते हो, इंस्पिरेशन बोल सकते हो, जो हमारे DHH के रैपर आज तक, चाहे वो जितना बड़ी हो, रफ्तार हो जाए, कृष्णा हो जाए, कोई भी हो जाए, मीवे हो जाए, सब वेस्टर्न रैपर के फ्लोज से इंस्पायर्ड हैं भाई। अपना कोई मुश्किल से ही कभी कभी गानों में अपना रियल फ्लो बनाते होंगे, लेकिन वेस्टर्न जो लेजेंडरी है, जो अभी जिंदा है, नहीं है जिंदा, पुराने ज़माने के लोग, उनका फ्लो भी अभी तक वो इंस्पायर्ड होके बना रहे हैं। कॉपी नहीं बोलूँगा, बिकॉज कॉपी क्या होता है यार, कॉपी तो कोई नहीं करता, इंस्पिरेशन बोल सकते हैं। भाषा मेरे देश का है हिंदी वे, तीन दिन से नहीं सोया, तेरी नींदे मैं उड़ाया, शुक्रिया कर मेरा तेको इतना कंसिस्टेंट बनाया, इंग्लिश तेरे से मैं सीखूं इतना बुरा दिन नहीं आया, तो खुद वहां गया या अंग्रेज इधर आया, पहाड़ों को नहीं। यार एक चीज मैं आपको बताऊं, मेरे को ना अभी ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ मचती है, मतलब क्योंकि मैं बचपन से बहुत गुजरा हूं, मैं 9th-10th क्लास में मेरे खुद के फ्रेंड्स, मेरी टीचर्स, बिकॉज मैं इंग्लिश में बहुत वीक था, मेरा इंग्लिश इतना घटिया था, गाउटी, गवार, ये सब मेरे को बोला करते थे, एंड राइट नाउ फकिंग हेयर, लाइक आई कैन एक्चुअली टॉक इन गुड इंग्लिश बिकॉज आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ। बट मेरे को चिढ़ इसलिए मचती है कि तुम अपने देश में रहते हो भाई, हमारा देश का जो लैंग्वेज है वो मल्टी लैंग्वेज है, एक तो स्टेट वाइज जाओगे, लेकिन एक जो मातृभाषा है वो हिंदी है, ठीक है, हिंदी बोलने में क्या प्रॉब्लम है भाई। मेरे को तब से चिढ़ मची ऐसे लोगों पे कि जिसको इंग्लिश नहीं आती तू गवार है। अबे बहन के लोले, रशिया जा, चाइना जा, यूरोपियन कंट्रीज जा, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, साउथ अमेरिकन कंट्रीज जा, मेक्सिको में जा, मेरा झाट का बाल कोई इंग्लिश में बात नहीं करता, बहुत कम लोग बात करते हैं, सारे अपने खुद के रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं वहां पे, वहां तो कोई नहीं बोलता, इंग्लिश नहीं आती, यू आर गवार। हमारे देश में ही साला ब्रिटिशों का लोलो चूस चूस के इंग्लिश जो सीख लेते हैं, अपने आप को बहुत महान समझते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मेरी इंग्लिश टीचर हो जिन्होंने मेरे को चिढ़ाया, उनकी माँ का भरोसा, सीरियसली इवन कर्मा से मैं ये नहीं मानता कि तेरे को इंग्लिश आती है तो क्या हुआ भाई, अपने बुंड में डालो इंग्लिश को भाई, दैट्स नॉट आवर लैंग्वेज, साला ब्रिटिशर हम पे मार के गए हैं हमारी, तुम बहन जो उनकी लैंग्वेज यूज करके अपने आप को महान समझते हो क्या, क्या भाई, तुम दूसरे यूरोपियन कंट्रीज जाओगे ना बैंड बज जाएगी, कोई भाव भी नहीं देगा इंग्लिश में, बिकॉज मैं जब गया था, मैं भी 3-4 कंट्रीज में जा चुका हूँ भाई, दे डोंट गिव अ फक अबाउट इंग्लिश, दे टॉक इन देयर ओन कंट्री लैंग्वेज, तो हमारे देश में क्यों इतना वो करते हैं, इंग्लिश नहीं आती गवार, मैं कैन के नीचे दूंगा, मेरा जूते पे गोबर लगा के झापड़ मारूंगा साला, ऐसे लोगों में मुझे बड़ा चिड़चिड़, मेरे को कि मैं पर्सनली गया हुआ हूँ, मैं पर्सनली, मुझ पे ये गुजरी है, इसलिए मेरे को एक पर्सनल हेट और चिड़ है, नहीं कर रहा इंग्लिश में बात। अरे रुक जा, मेरा अलार्म बज गया भाई, क्योंकि मैं इतने बजे उठता हूँ लेकिन जल्दी उठ गया, हाँ नहीं करूँगा इंग्लिश में बात, माँ सुधाओ। बबली मैंने तेरे को ललकारा, पहाड़ों पे है तुझसे ज्यादा अपना भाई चारा, झूल रहा है नीचे मेरे आन बनके, मैं खड़ा काउंटर पे, ये आया पकवान बनके, टेबल भगा डाला, अब तू फुटपाथ पे, अभी मैं गाड़ी लेके आएंगा सलमान बनके, जैसी शक्ल और तू ओबरोय में चिल करता, तू खरीदेगा बताओ कौन तेरा बिल भरता, बम्बई वाला स्लैंग बबली तेरे पे नहीं सूट करता, अकाउंट होता भारी तो तू रोड पे नहीं शूट करता, छोड़ने वाला अभी मैं, ये खाने का काउंटर तेरे जैसे कितने रैपर खाऊंगा बैठ के काउंट कर, इसकी हाइट इतनी झाट जाता फेयर बॉल भी बाउंसर, ये बार्स तेरे नहीं ये फेयर बॉल के काउंटर, गांड मारा कंपड़ी छापा तूने कंपनी, बिंकी वाली हरकतें खाएगा तू भी कंपड़ी, क्या बात है, मत कर, आय हाय आय हाय, एमी वे का फ्लो आ गया, मजा आ गया भाई, 100 मिलियन होने वाले आई थिंक हो गए ना इस ट्रैक को,
कंपनी को कोई नहीं अपना टक्कर, राखी पिंकी बबली सबको लंड पे बैठो। पहले बाल खड़े नहीं थे तेरे, अब लंड खड़ा नहीं होता है। टेक्निकल नहीं टेस्टिकल। ओ भाई पहले बाल खड़े नहीं होते थे, अब लंड खड़ा नहीं होता है। अबे क्या ये टेक्निकल नहीं टेस्टिकल, तू नीचे का गोटा है। व्हाट Oh my God! पहले बाल खड़े नहीं थे तेरे, अब लन खड़ा नहीं होता है। टेक्निकल नहीं टेस्टिकल, तू नीचे का गोटा है। ले बार 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 हकले लड़ नहीं सकता, बंटाए गाले बीआर के बिना कुछ बन नहीं सकता। अब सुनने में आया कि तू कसाई बन के आया, अब वही बन के रह रहा, पर तू बन नहीं सकता। सब करके आए तू अकेला नहीं है, खुद को स्टार बोले जो दुनिया में फैला नहीं है। सबका बाप जिसको चूतिया बुलाया, उसी रैपर ने तेरे गैंग की फुदिया सुझाया। ओ भाई मेरे को पता था गाली गलौज पे उतर आएंगे ये लोग। बात मत कर तू यहाँ पे पैशन की, वीडियो में छमिया जैसी चाल, ये नहीं फैशन वीक। राइटिंग सीख, हाँ मेरी राइटिंग सीख, लिप सिंक गायब तेरी, खेल रेला हाइड एंड सीख। चलिए बीफ तो ले सलिया सीख, तू खाली कलिया घीस, मैं घुमा गलिया बीस, तभी मैं बैड एंड बीस। सबका बदला लेगा फैसल, पीछे हटना नहीं, और कितनी करवा के लेगा बे बदनामी। क्या और तेरी लू मैं, जरूरत नहीं, जरूरत होगी तो पर्वत पे मिलने आऊंगा, मैं ते को लेने दूंगा मैं करवटनी। लाइफ मेरी मस्त अल्हम्दुलिल्लाह, वो वक्त आ गला जब तू मुझसे विड़ा। आइसक्रीम पसंद मैं दू वनीला, ये तीसरा था राउंड जो मैं तुझसे विड़ा। क्या बात है भाई यंग वाले, मालूम नहीं कौन सा राउंड चल रहा है। तू जब जब आएगा तब तब खाएगा, छूत मारी के। तुम्हारी के भाई ये गाली मेरे को बहुत मजा आता है सुनने में। मुंबईया लैंग्वेज एक और है झाटू करके, ये तो लैंग्वेज भाई, इतनी गंदी गाली होती है ये। अगर आप किसी ऑपोजिट को दे, ऑपोजिट मतलब अपने दुश्मन को दे दो, वो चिढ़ जाता है। एक तो ये हू तुम्हारी के और एक झाटू, बहुत गंदी गाली है भाई, बहुत गंदी बेइज्जती फील होती है सुन के। ओ भाई मैंने कहा था गाली गलौज पे उतरेंगे, अब कर्मा भी आएगा फुल ऑन गालियों पे। ओ माई गॉड भाई, द बीफ बार इज रेजिंग अप मैन, मतलब गर्माहट बढ़ती जा रही है भाई, हीट वेव आ गई है पूरी बीफ में। अब जैसे ये भी गाली गलौज भी उतर आया, कर्मा भी उतर आएगा। आई जस्ट वॉन्ट कि दोनों इतने गंदे इन्वॉल्व ना हो जाएं कि एक सीरियस कुछ इशू हो या तो फिर एक पर्सनल अटैक फैमिली पे हो। अपने पे जो मर्जी बोलो भाई, घंटा फर्क नहीं पड़ता। एमीवे और कृष्णा वाली गलती नहीं होनी चाहिए, एमीवे और कृष्णा की जो गलती थी वो इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता है। वी आर नॉट वेस्टर्न रैपर्स एंड वी आर नॉट वेस्टर्न कल्चर पीपल, वी आर देसी पीपल, वी आर इंडियंस। हम लोग की संस्कृति बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा रिच है, हमारे संस्कार हैं भाई, हम लोग बाहर अमेरिकन जैसे नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं कि अरे वेस्टर्न कल्चर में चलता है, भाई दिस इज देसी हिप हॉप, दिस इज नॉट वेस्टर्न कल्चर। तो माँ बहन को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कृष्णा और एमीवे की ये सबसे बड़ी गलती थी, तभी अच्छा हुआ बीफ रुक गई, बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पर चला गया था वो। एनीवेज भाई यंग गालिब क्या है, क्या वर्ड प्ले मारा है, क्या काउंटर कर रहा है वो। ठीक है भाई, चलो एमीवे से इंस्पायर्ड होके किया है इसने पूरा बैकग्राउंड शूट और पूरा मास्क वास्क, नो प्रॉब्लम भाई, उसका ही तो मतलब फ्रेंड है और उसी के ही अंडर है वो, साइन है। बट वाओ मैन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यंग गालिब विल बी दिस हार्ड। मेरे को दो तीन महीनों से, तो जब से मैं रिएक्शन कर, दो तीन महीना नहीं ज़्यादा, छः महीना पकड़ लो, लग रहा था कि हाँ ये बंदा अच्छा रैपर है, बट राइट नाउ ही इज ऑन टॉप इन द बीआर लिस्ट ब्रो। एमीवे का एक मस्त लेफ्ट हैंड बन चुका है भाई ये। ओके, अगर एमीवे को नहीं करने का, ये इसको भेज देगा, जैसे रफ्तार कुछ नहीं करता वो कृष्णा को भेज देता है। आई एम नॉट सेइंग यंग गालिब इज लाइक लेवल टू कृष्णा, बिकॉज लेवल कृष्णा का बहुत आगे है, सिंस कृष्णा की एज है, एक्सपीरियंस है, इतने सालों उसने टाइम दिया है इस रैपिंग सीन को। टू गुड मैन, मजा आया। अब लेट्स सी कर्मा का कल ही गाना आ जाएगा। मैं कल भी गाना ले आऊंगा, मुझे पता है आने वाला है। अब देखते हैं भाई क्या नाम चिढ़ाते एक दूसरे का। आपका क्या ओपिनियन था आप प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। एंड भाई वर्ड टू वर्ड रिप्लाई, क्या बात है, यही मजा आता है ना। लास्ट वाली गाली बहुत बढ़िया थी यार। चलो गाइस, इस वीडियो को तो मैं 5 में से 5 स्टार दूंगा, बिकॉज कुछ कमी लगी ही नहीं मेरे को भाई, बहुत बढ़िया डिस निकाला है इसने, विथ काउंटर, विथ फैक्ट्स, विथ प्रॉपर राइमिंग फ्लो। वाओ, और वो भी वीडियो के साथ शूट किया है, नॉट जस्ट ऑडियो डाल दिया और वीडियो में पोस्टर लगा दिया। दोनों रैपर्स के लिए सल्यूट है, इवन फॉर कर्मा, इवन फॉर यंग गालिब,
एक एक दिन के अंदर विद वीडियो ये लोग गाना लेके आ रहे हैं भाई, दिस इज नॉट इजी। ये एक हमारे इंडिया में ना बहुत एक बम्प हटा है हिप हॉप का, इसलिए ये सब हो रहा है। तो दैट्स अ रियली गुड थिंग। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैं आपके लिए मजेदार, जेन्युइन और एंटरटेनिंग वीडियोस लाता रहूंगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।